राम कृष्ण परमहंस साथ रखे। चूंकि वह चेला पहुंचा हुआ था, किनारे पहुंचा हुआ था, समुद्र किनारे धक्का देना था और जाकर समुद्र में गिर जाएगा। और विवेकानंद के साथ वही हुई, समाधि में चला गया बिना दीक्षा दिए। वह न जब तोड़े तो चिल्लाने लगे, गुरु जी हमको उसी स्थिति में रहने दे, मैं क्यों रहने दूंगा रे तुमको, ये तो मेरा है तुम कुछ कर तो क्या करें, मेरा काम कर, मेरा काम कर। चाबी मैं ताला बंद कर दिया, चाबी रख लिया, जब मेरा तू काम करेगा तब वह चाबी लौटा देंगे। हम लोग गुरु को काम नहीं करना चाहते हैं, गुरु जी को ही झांसी देंगे, सोएंगे, खाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब बताओ गुरु मिलेगा। विवेकानंद ने ही प्रचार किया। आज तुम नहीं जानते विवेकानंद, रामकृष्ण फाउंडेशन में 10,000 करोड़ रुपया आता है विदेश से दान, आज के डेट में उतना एक नंबर से पैसा किसी फाउंडेशन को नहीं आता है, 10,000 करोड़, वो भी रामकृष्ण परमहंस फाउंडेशन ट्रस्ट में, विवेकानंद ट्रस्ट पर नहीं। ऐसा चेला मिला एक ही ना, यह दुर्लभ हो जो संयोग होता है। वह जैन फकीर भी उस चेला के चक्कर में पड़ गया, 5 साल का लड़का गया और रात भर एक हाथ की ताली खोजते रहा, झिंगुर झनझनाता है ना खेतों में, दौड़ कर आया, कहा कि गुरुजी एक ताल का हाथी मिल गया, कहाँ मिला रे, खेत में सब झिंगुर झनझन कर रहा है, तो कहा कि तो झिंगुर है ना उस झंझना, ताली एक हाथ की नहीं है बेटा, नहीं है तो। फिर बरसा आया, मेढक का टट्टर सुना, फिर कहा गुरुजी मिल गया, कहाँ मेढक, मेढक ना टट्टर कर रहा है, एक हाथ का ताली कहाँ, बहुत तरह का आकर कहते रहा साल भर, कहा कि गुरुजी काटते रहे, टालते रहे, कि इस लड़के को टालते रहो, लेकिन जो शिष्य समर्थ है तुम टालने से टालाएगा, समर्थ शिष्य को टाल नहीं सकते, और गधा शिष्य को तुम कुछ कर भी नहीं सकता है। और अंत में 1 साल के बाद जब गुरु पूर्णिमा में वह चेला आया और जाकर पीछे बैठा हुआ था ध्यान करके, वह गुरु जी से मिलने भी नहीं आया, पीछे बैठा था, जब गुरु पूर्णिमा खत्म हुआ तो गुरु जी बड़े व्याकुल हुए कि वो चेला नहीं आया, एक हाथ की ताली नहीं खोजा, घूमते घूमते गए तो देखे कि पीछे बैठा है, आँख बंद है, मुस्कुरा रहा है, अपने आप में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब गुरु जी उसको उठाए और अंक से मिला लिए, कहा कि बेटा तुमने एक हाथ की ताली खोज लिया। वह एक हाथ की ताली तुम्हारा अनहद है, अनहद नाद, कभी साहब कहते अनहद नाद सुनो हो भाई, हद से बेहद ले जाई, इसके तरफ इशारा किए हैं कबीर साहब, बीवी आखर का किन बनाना, अनहद शब्द ज्योति प्रमाणा। आकाश में जब बिजली चमकती है पहले शब्द बाद में सुनाई पड़ता है, इसी तरह से तुम्हारे अंदर बिजली पहले चमकेगी, शब्द बाद में सुनाई पड़ेगा, अनहद, वो एक हाथ की ताली, और जो हैं ये हरि ब्रह्मा विष्णु तीनों जो हैं उस बीवी आखर में लग गए, अनहद में सुन लिए, और ये तीनों भी उसको प्राप्त कर गए। जब ओंकार की मस्ती चढ़ने लगती है तब तुम जो है मस्त होने लगते हो, आखर पड़िगुन राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। कहते हैं कि यह अक्षर, अक्षर जिसका नाश न हो, वह दो अक्षर का बीबी आखर का जो पढ़ लेता है उसका नाश नहीं होता है। जैसे सनक सनंदन सनत कुमार ये भी 5 साल के अवस्था में इस पढ़ाई को पढ़ लिए और उसी अवस्था में उनका शरीर उसी अवस्था में रुक गया, कांस्टेंट है गए, ये भी उसको प्राप्त कर लिए। आगे कहते हैं वेद की तेव कि नविस्तारा, फैल गए लमन अगम अपारा। कहा कि वेद और किताब माने कुरान, वेद और किताब का विस्तार तो हुआ, कुरान का विस्तार तो हुआ, और फैल गए मन अगम अपारा, यह मन का अगम माने माया, मन का माया में विस्तार भी फैल गया, अगम मन, इसलिए अगम निगम भी कहा गया है, निगम वेद को कहा गया है न जी, अगम पुराण को कहा गया है, अगम निगम यहाँ पर, लेकिन अगम का अर्थ माया होगा, माया जो है अपार है, वह खत्म नहीं होती है।
और यह कहते हैं मन जो है फैल गैल मन अगम अपारा, मन जो है अगम अपार यह माया में लिप्त हो गया। और हम वेद किताब वेद और कुरान का पाठ करने लगे, माया में फंसते चले गए और उस परम पुरुष से हम दूर होते गए। आगे कहते हैं चहु जुग भक्तन बांधल बाटी समुझ न परल मोटर फाटी भय भय पृथ्वी दहु दिश धावे अस्थिर होए न औषधि पावे। कहते हैं कि चहु युग तुम चारों युग में जन्म लेते हो, हर युग में जन्म लेते हो और अपने संस्कारों की इतने इकट्ठे कर लेते हो। कई संस्कार, मोबाइल तुम्हारे पास है, मोबाइल में चिप बहुत छोटा होता है ना, उसमें इतना तुम इकट्ठा कर लेते हो पेपर पत्रिका से लेकर के क्या क्या इकट्ठा कर लेते हो, क्या मोबाइल के इतना कागज पर इकट्ठा होगा? और मोबाइल तुम्हारा टूट भी जाएगा तो क्या चिप तुम्हारा सुरक्षित बच जाता है ना, और उस चिप से सब कुछ बात निकल आता है कि नहीं? इसी तरह से चारों युगों में तुम शरीर धारण करते हो, यह शरीर तुम्हारी टुक टुक मोटरी रूपी गठरी रूपी फट जाता है मर जाता है, लेकिन वह चिप के तरह वह आत्मा जो है वह निकल जाता है चारों युगों में। और जो है यह भय भय पृथ्वी चौदिश धावे अस्थिर होए न औषधि पावे, यह चारों दिशा में तू भय से ग्रसित होकर के दौड़ रहा है, समय का सदगुरु मिल नहीं रहा है इसलिए तुमको औषध दे नहीं रहा है, और जब तक से औषध मिलेगा नहीं तुम्हारा यह भय रूपी रुक जाएगा नहीं, उस तुम्हारे चिप में भय भर गया है, काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी आशक्ति में भय में भर गए। इसलिए तुलसीदास भी कहे हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यही नहीं विषय कर आशा। कहते हैं कि सदगुरु वैद्य है, जब तक से सदगुरु रूपी वैद्य मिलता नहीं है तब तक से तुम्हारा उसे मुक्ति नहीं होता है। होए बेहिस्त जो चित न डोलावे खसम ही छाड़ी दो जग को धावे। कहते हैं कि तुम मुक्ति प्राप्त कर सकता है मगर जब चित स्थिर हो तब तो। कहते हैं होए बेहिस्त चित न डोलावे, तुम भी स्वर्ग तो जा सकते, स्वर्ग में ही हो लेकिन चित्त नहीं डोलाएगा तब ना, तुम्हारा चित्त वृत्तियां और मन पीपर पात सरिष्मन डोले। तुलसीदास कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है पीपर के पत्ते की तरह डोल रहा है, यहाँ बैठा है अब डोल रहा होगा, घर पर जाएंगे तो क्या होगा, पत्नी डांटेगी इतना दिन कहाँ था, गुरु जी किए थे, गुरु जी खाना देंगे तुमको, भाग यहाँ से, फिर वो घर से भगा देगी, अब कहाँ जाएंगे। यह तुम्हारा चित्त जो है हम यहाँ बैठा है लेकिन कितने बार घर गया, कितने बार आया, कितने बार पत्नी से झगड़ा किया, बोला माफ़ी मांगा, गोल पर गिरा, माफ़ी दी नहीं, कितने बार तुम लोग बात करो, लड़के कितने बार डांटा, फिर नहीं मानता है तो फिर कहते हैं मौन रहो, तो नहीं मोबाइल से फोन धीरे धीरे बात कर ही लेता है। अच्छा शांत रहो मैं आ रहा हूँ देवी जी, देवी की ही आराधना कर रहा हूँ, तुम्हारी ही आराधना कर रहा हूँ, तू कहती मेरी ही आराधना करता तो मेरा यहाँ घर पर पूछता, पत्नी ब्रह्मा पत्नी विष्णु पत्नी देव महेश्वर पत्नी साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री पत्नी नमः। यह मंत्र जाप कर लो और पूरे नवरात्रि इसका जाप करो, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, खुश होकर तुम खाना देगी, खुश होकर तुम्हारा काम कर देगी, तुम्हारी सेवा कर देगी, रिद्धि सिद्धि हो नहीं गई? कबीर साहब आगे कह रहे हैं कि पूरब दिशा हंस गति होई है समीप संधि बूझे कोई। कहें पूरब दिशा जो सेक्रेट साइंस लिया होगा उसको बताया गया होगा, यहाँ हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र से ही ऊपर जो है पूरब है नीचे पश्चिम है, ऊपर उत्तरायण है नीचे दक्षिणायण है। कबीर साहब जोक की बात अब यहाँ कह रहे हैं, कहते हैं कि पूरब दिशा हंस गति होई, अब समझ गया, यह जब यहाँ से हृदय से उत्तरायण की तरफ जब तुम्हारा होगा विशुद्ध चक्र पर आएगा, विशुद्ध चक्र ही आत्म शरीर है, और जैसे ही आत्म शरीर पर आएगा तुम्हारा मन जो है हंस हो जाएगा। तब कबीर साहब कहते हैं मनवा तू तो हंस था कागा हुआ अपनी चाल, तू तो हंस ही था और कौवा बन गया अपनी चाल से। जब कौवा बनता है तो कौवा का ध्यान विष्टा पर जाता है ना, और हीन हंस का ध्यान दूध पर जाता है। इसलिए यहाँ पर कितना सटीक बात कर रहे हैं, पूरब दिशा हंस गति होई है समीप संधि बूझे कोई।
कहे बहुत समीप है पूरब दिशा, जहाँ तुम हंस की गति हो जाएगा, आत्मा को प्राप्त कर लेगा, यही आत्म शरीर है। और यहाँ पर आएगा अज्ञा चक्र पर, अज्ञा चक्र ही बताया जाता है सीक्रेट साइंस में, इसलिए सीख लो यही जो है अज्ञा चक्र ब्रह्म शरीर है, और शास्त्रार जो है कॉस्मिक बॉडी है, वह चिन्मय शरीर है, बॉडीलेस बॉडी, इसलिए इधर की तरफ इशारा किए हैं। इसलिए जब तक से जोग में नहीं डूबेगा कबीर साहब की भाषा नहीं समझेगा। फिर हम पूछेंगे क्या भाषा समझा, कहे कि नहीं कबीर गुरु जी क्या, अरे बरसे कम्बल भींजे पानी कबीर दास के उल्टा बानी। तुम अक्सर यही कहता है, उल्टा बानी नहीं है, बानी तो सीधा है बच्चा, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है। जब उत्तर की तरफ दिशा में पूरब की दिशा में जाएगा, हंस की गति प्राप्त कर लेगा, फिर मुक्ति तुमको मांगना पड़ेगा कहीं से। कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान दंद भई खसम कही मिली बात, जुग जुग से कहाया काउन मानी बात। कि जुगो जुगो से मैं कह रहा, जुग जुग से ज्ञान दंद भई, ज्ञान जो है दुंधवी हो गया, इस दुंधवी पर ही ना श्रीमद् भागवत खड़ा है, दुंध से धुंधकारी बन गया है, वहां इशारा कर रहे हैं कबीर साहब कि मैं जुगों जुगों से कह रहा हूं, कोई बात मेरी मान नहीं रहा है, इस आप सब दुनियादारियों के बात जो है धुंधकारी हो गया है, दुंध हो गया है, धुंधकारी हो गया है, जुग जुग से बिना गुरु ज्ञान दुंध भई, बिना गुरु के ज्ञान तुम्हारा धुंधकारी हो गया ना। तुम खूब कह गए पाठ कर लिया गुरु जी, पूजा कर लिया। एक बार हमारे संतोष जी पहले शालिग्राम जी की पूजा करते थे, ये शालिग्राम जी को और ये महात्मा अखिलेश्वरानंद कोई बच्चे थे लेकर जा रहे थे कहीं तीर्थ यात्रा में, कहीं रास्ता में लेट होने लगा तो कहे कि बच्चा जरा ठाकुर जी का स्नान कराना, मैं शौच होकर के आ रहा हूँ स्नान करके। ये अपना कहा ठाकुर जी को निकाला तो देखा कि यहाँ जामुन का पेड़ है, बड़ा है, मिल नहीं रहा, गुरु जी खाने भी नहीं देंगे, कैसे चढ़ें, चढ़ने भी नहीं आता है। तो शालिग्राम जी को ले करके मारा, मिला तो दो चार जामुन गिर गया, खा लिया। अब तो कहा कि अभी गुरु जी को देख रहा था, अभी आ नहीं रहे हैं, तले मारते रहे। अभी संतोष जी तले आ ही रहे नहीं थे, तले मारा दो चार बार, मारा दो चार जामुन तो गिरा ही ना। एक बार जो है शालिग्राम भगवान उसी पर रुक गए, आगे बड़ा मार था, कहीं अटक गए, आगे तो आज बड़ा फजीहत कराया, क्या करें भाई। लेकिन वो लड़का से इंग्लिश स्कूल पढ़ा लिखा था ना, क्या करें। एक जो देखा कि जामुन बड़ा अच्छा है, सुंदर है, बड़ा है, तुरंत उसको धो करके और उनके कपड़ा में लपेट उपेट करके रख दिया, फूल पत्ती चढ़ा कर, और गुरु जी आ रहे थे साष्टांग प्रणाम करके बक्सा बंद कर दिया। पूछे कोई कहा बच्चा शालिग्राम भगवान कहाँ, गुरु जी शालिग्राम भगवान को शयन करा दिए, अब निश्चिंत रहे, शयन कर दिए, शयन करा देते हैं। दूसरे दिन जब गए कहीं ठहरे गाँव में, कहे कि जाओ बच्चा तुम अब शौच वोच हो, हम तले ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जब ठाकुर जी को निकाले शयन कराने से, उठाए स्नान कराने लगे और पानी में ले करके गंगा जल मलने लगे, तो ठाकुर जी मला गए हाथे में। ये बड़ा बिगड़ाया था, क्या किया ठाकुर जी को। ये कहा कि इधर आता था ना, पूर्वांचली था, कहा कि पुन पुन अच्छत पुन पुन पानी, ठाकुर जी गल गए मैं क्या जानूं। अरे गुरु जी, इनको भी उस समय आत्मज्ञान हो गया, कहा ठीक कर रहा है, ले अब ठाकुर जी को जान छोड़। रामानंद जी को जैसे ज्ञान हुआ कबीर साहब से, उस तरह से इनको भी जैसे ज्ञान हो गया और छोड़कर चले आए। तो देखो यही कबीर साहब कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान दंद भई खसम कही न जम मिल जाए, बिना समय के सदगुरु को मिले तुम्हारा ज्ञान जो है धुंध हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। जुग जुग से काहिया काहु न मानी बात, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि हम तो जुग जुग से करे कोई बात ही नहीं मान रहा। एक तो कोई बात मान ले, उसकी चूंकि इतनी बुद्धि धुंध हो गई है कि जब वह जन्म लेगा तो उसी धुंध में न जन्म लेगा, वो धुंध भी तो उसके साथ आएगा ना। चिप में चाहे तू वह गाली भरो अपने,
बहुत लोग तो फोन करता है, देखता है कि गायत्री मंत्र आता है, कुछ लोगों का श्री राम जय राम आता है, कुछ लोगों का आता है मैं तो पतंग हुआ गुरु के, आता है ना, कुछ लोगों का आता है हमारे शिष्य लोग को देखते हैं कि क्या कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में आता है, कुछ लोग को आता है क्यों मैं क्या किया कुल भरा रहता है, तब हम क्या कहें कहीं मैं पर डांटें, क्योंकि हम जाते हैं जाकर जौन स्वभाव छूटे न जीव से, वह जिस स्वभाव का है वह चिप में वह भर दिया है, चिप बेचारा क्या करे, जब कहीं से कॉल आवे तो भरा हुआ संदेश निकाले। उसी तरह से हम जन्मों जन्मों से, कबीर साहब कहते हैं जुग जुग से तू जो धुंध हो गई है तुम्हारी बुद्धि, अब वही सत्य मालूम हो रहा है, समय का सदगुरु मिल भी रहा है, वह कह रहा है तो उसको नकार लेता है, तुम्हारे ऐसा कोई धुंध का गुरु धुंधकारी मिल जाता है तो उसी को तुम सष्टांग प्रणाम कर लेता है, और तुमको जब कहीं पकड़ा जाता है खुर कहता है गुरु जी पर मेरा विश्वास उठ गया, हमारे साथ धोखा हुआ। अरे धोखा तुम करने गया कि वो करने गया, कौन किया? चलो तो यह हम आज तुम लोग यही कह रहे हैं, तुम लोग इनके लिए यहाँ है तब अपनी धुंध रूपी बुद्धि को धो दो, समझ गया, और धो करके श्री राम नाम के रंग में चुनरिया रंग लो। देखो जो चिप्स पर किया उसको मिटाया भी जा सकता है ना, उसी चिप पर दूसरा भी भर सकता है ना, इस 10 दिन के प्रोग्राम में धुंध मिटा दो, और जब तुम्हारे यहाँ भी कोई फोन करे तो उसे सुनाई पड़े श्री राम जय राम जय जय राम। मैं हरीश वासवानी हीलर हूँ, मैं वाराणसी से आया हूँ, और मुझे लगा था कि शिव साधना लगभग लुप्त प्राय है, जब मुझे पता लगा कि ये गुरुजी करवा रहे हैं तो बड़े उत्साह के साथ में आया और मैंने सीखा स्वर साधना, तात्पर्य सांसों का प्रयोग, और सांसों के द्वारा भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत और आध्यात्म जगत की प्राप्ति हो सकती है। ये जब मैंने क्लास किया, सीखा गुरुजी के सानिध्य में, 7 दिन का समय लगाया, आज आनंद के साथ कह सकता हूँ कि ये जीवन है जिसके द्वारा शिव की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक जगत का सुख प्राप्त हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कुंडलिनी जागरण जिसको साधारणतः लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण नहीं करनी चाहिए, क्यों कि ये नुकसानदेह हो सकती है। गुरुजी ने स्वर साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण का ही प्रयोग सिखाया और उसको आनंद की परिभाषा दी सकती, आनंद भौतिक जगत में कहीं नहीं है, सुख है, मस्ती है, आनंद एक भाव है जो स्वर साधना से प्राप्त हुआ। और हर्ष के साथ बताता हूँ कि ये विद्या हर आदमी को सीखना चाहिए, शायद इंसान पैदा ही भया है स्वर साधना की सिद्धि के लिए। गुरुजी को सत सत नमन है, प्रणाम है कि इन्होंने इतना पुनीत कार्य कर रखा है जो इंसान मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 0986888630, 0996843 02 03